Hey guys, welcome back to the channel and I really hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक कंसर्न जो कि सभी फीमेल्स को होता है वो होता है अनवांटेड हेयर। सो हर एक का एक अपना तरीका होता है हेयर मूव करने का। कोई शेविंग करता है, कोई हेयर रिमूविंग क्रीम्स होती हैं वो यूज करते हैं, कोई वैक्सिंग प्रेफर करता है। पर्सनली मैं वैक्सिंग प्रेफर करती हूँ। ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम बाद वैक्सिंग करवानी है। तो वैक्सिंग मैं शेविंग के कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर मानती हूँ, क्योंकि एक तो जो ग्रोथ है वो काफी टाइम के बाद आती है, प्लस आपको बहुत पॉलिश्ड लुक मिलती है। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आप वैक्सिंग करते हो, कैसे अपने बालों को रिमूव करते हो। मैं रेगुलर वैक्स जो मार्केट में आती है बॉक्स में, मैं वो यूज करती हूँ हमेशा से। और वैक्स हीटर में डाल के आप सिंपल उसको यूज कर सकते हो, बट ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपके पास वैक्स हीटर नहीं है या वैक्स अवेलेबल नहीं है, तो ये वाली वीट जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स है ये इजिली मार्केट में मिल जाती है, आप ये यूज कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि इसका एक क्विक रिव्यू और डेमो आपको दिखाती हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसा है। वीट वैक्सिंग स्ट्रिप्स जो है वो तीन अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए है, जिनमें ड्राई स्किन टाइप, सेंसिटिव स्किन टाइप और नॉर्मल स्किन टाइप है। तो ये इजिली आपको किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर या फार्मेसी या ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। और इनका प्राइस जो है सभी का वो 199 रुपीज है। तो ये वाले जो बॉक्सेस है, अगर आपको इमरजेंसी में वैक्सिंग करनी है या फिर आपको क्विकली कहीं आप बाहर गए हो तब आपको वैक्सिंग की जरूरत है, तो आप ये इजिली साथ में कैरी करके लेके जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही नीट एंड क्लीन मेथड है यूज करने के लिए। ये रेडी टू यूज फुल बॉडी वैक्सिंग किट है। तो इसमें 20 वैक्सिंग स्ट्रिप्स आती हैं, और जैसे कि मैंने बताया ये अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए है। इसका प्राइस 199 है, और जैसे कि अलग अलग स्किन टाइप है तो उसके हिसाब से अलग अलग इसका किसी में एलोवेरा है, किसी में शिया बटर है। तो सिंपल इजी स्टेप्स में आपको यूज करनी है, मैं आपको दिखाती हूँ उसमें क्या क्या है। बॉक्स में ऐसे चार पाउच आते हैं जो कि वाइप्स हैं, जिनमें ऑयल है। आप पोस्ट वैक्सिंग ये यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास ये खत्म हो जाते हैं तो आप जस्ट नॉर्मल बेबी ऑयल यूज कर सकते हो। तो जो स्ट्रिप्स है वो ऐसी आती है। टोटल इसमें 20 स्ट्रिप्स होती है, और टोटल 10 फॉर्म में आती है, जिनमें ये अटैच्ड होती है एक दूसरे के साथ में। तो जस्ट आपको क्या करना होता है, आपको जस्ट रब करना है, इसको अच्छी तरह वॉर्म करना है, देन इसको पील करना है, और तो अपनी हेयर डायरेक्शन में ये अप्लाई करके पुल कर देना है। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट पील दिस एंड अप्लाई ऑन योर स्किन। लेग्स पे अप्लाई कीजिए, अपनी आर्म्स पे अप्लाई कीजिए और जस्ट पुल इट। बहुत सिंपल तरीका है, इफेक्टिव है, यूज कर सकते हो। पर्सनली मैं इमरजेंसी के लिए ये रखती हूँ किट, कि मुझे कभी कभी यूज करनी होती है, आपके पास टाइम नहीं होता है, आपको क्विकली वैक्स करनी होती है, रेस्क्यू के लिए आती है, तब जस्ट लाइक नॉर्मल वैक्स जैसे बाकी वैक्सिंग करती है वैसे ये भी वैसे ही इफेक्टिव है। और ये फुल बॉडी वैक्सिंग किट है, दैट मीन्स यू कैन यूज दिस ऑन योर आर्म्स, लेग्स पे यूज कर सकते हो, अंडरआर्म्स यूज कर सकते हो और अपने बिकनी एरिया पे यूज कर सकते हो। तो ये जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स है ये आपके फेशियल हेयर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, अपने फेस पे बिल्कुल भी अप्लाई ना कीजिए, जस्ट ये आपके लेग्स वगैरह के लिए है। जो ओपिनियन है वैक्सिंग स्ट्रिप्स का वो है कि ये जस्ट बाकी जैसे वैक्सिंग होती है वैसे ही है, वैसे ही ये वर्क करती है, वैसे ही आपके बालों को निकालती है रूट से। ये क्लेम करते हैं कि 28 डेज तक बाल नहीं आएंगे, बट ये डिपेंड करता है आपकी हेयर ग्रोथ कैसी है। अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है देन आपको जल्दी बाल आ जाएंगे 15-20 दिन तक, अदरवाइज मंथ भी लास्ट करता है ये। एक और चीज जो ध्यान में रखनी है, जब भी आप वैक्स करो अपनी लेग्स, अपने जो भी वैक्सिंग एरिया है उसको अच्छी तरह क्लीन करो, उस पर कोई भी मॉइस्चराइजर ना हो, बिल्कुल भी स्वेटिंग ना हो, कोई भी प्रोडक्ट यूज ना किया हो, जस्ट क्लीन करे किसी भी टॉवल के साथ, उसके बाद पाउडर अप्लाई करे, उसके बाद ये स्ट्रिप्स अप्लाई करे और पुल करे, बाद जो ये वाइप आता है उसके साथ क्लीन कर सकते हैं, देन उसके बाद आप सोप या कुछ भी यूज करें, ठंडे पानी से वॉश करें। लॉकडाउन में अगर आप बाहर नहीं जा पाते हो सैलून वगैरह पे, तो आप ये घर पे कर सकते हो, और कहीं ट्रैवल भी फ्यूचर में करते हो तो आप साथ में ये किट कैरी कर सकते हो। एक और फैक्टर जो होता है वैक्सिंग में वो होता है कि रूम टेम्परेचर कैसा है। अगर रूम में बहुत ह्यूमिड है या गर्मी है तो ये वैक्सिंग कहीं ना कहीं थोड़ा कम काम करती है। तो मेक श्योर करें रूम टेम्परेचर सही हो। एसी में आप वैक्सिंग करेंगे बहुत जल्दी होगी, रूम ठंडा है तो काफी जल्दी वैक्सिंग हो जाएगी। तो बेसिकली गर्मी और ह्यूमिड में वैक्सिंग थोड़ी सी कम होती है, तो मेक श्योर करें कि रूम टेम्परेचर सही हो। ये था मेरा रिव्यू अबाउट वीट वैक्सिंग स्ट्रिप्स, और काफी अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे क्विकली कहीं जाना होता है, इमरजेंसी में मुझे हेयर मूव करने होता है, ये मैं मेथड प्रेफर करती हूँ। तो विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय।